हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेटिज एंड दिस इज महिमा गौर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेटिज में। रिसेंटली अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, फन विद मैथ्स प्रेजेंटेड बाय महिमा गौर। उसमें हमने क्लास 10th को स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इससे पहले हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किए थे जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फन विद मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए शो करना है दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो है स्क्वायर जो होगा या तो वो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। जो m है वहां पर वो कोई इंटीजर होगा। तो अब हमें ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, a=bq+r। यहाँ पर जो हमारा b है वो हमारा डिवाइजर है और r है हमारा रिमाइंडर। और हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसे मैं इधर अप्लाई कर लूंगी। हमारे क्वेश्चन में 3m और 3m+1 दे रखा है, तो यहाँ पर जो 3 है यानी कि ये हमारा क्या है, डिवाइजर यानी कि b है। तो मैं इसे वैल्यू को इसे लेट अज्यूम करा है हमने, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज प्रूव करते हैं तो उसे हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्हें अज्यूम करूंगी और b की जगह पर इस प्लेस पर मैं रख दूंगी 3। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3q+r। यहाँ पर r जो है, r को हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, r को हम ले सकते हैं डिवाइजर से छोटा होना चाहिए यानी 3 से छोटा, यानी 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अब मैं इन r के वैल्यूज को सारी इक्वेशन में पुट करूंगी। सबसे पहले बनेगा a=3q+0, क्योंकि एक वैल्यू 0 है हमारी। फिर दूसरा हो जाएगा a=3q+1 और जो थर्ड वन हो जाएगी हमारी, मैं ये साइड में लिख रही हूँ सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, a=3q+2। अब हमें कहा गया है कि अगर हम इनके स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यानी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर बोला गया तो यानी अब हमें इस पे स्क्वायरिंग करके देखना पड़ेगा। अच्छा गाइज, वन मोर थिंग, हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम देखें, आइडेंटिटीज आपने काफी बार कर रखी होंगी पिछली क्लासेस में भी, फिर भी मैं लिख देती हूँ। आइडेंटिटी a+b² की क्या होती है, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी आप सभी लोगों को वैसे तो आती होगी, लेकिन अगर नहीं भी आती तो आप अभी लर्न कर लीजिए। अब अगर हम 3q का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 9q² इसका रिजल्ट आएगा। अगर हम 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका रिजल्ट, 3a² यानी 3q का स्क्वायर यानी 9q² + b² यानी 1 का स्क्वायर + 1 + 2 × a × b। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3, 2 = 6q, इसका ये आ जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करें 3q + 2 का स्क्वायर, तो a² यानी 9q² + b² यानी 4 और 2 × a × b। आप रफ में कर लीजिए अगर आपको कैसे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, हमारा रिजल्ट है 12q, राइट। अब हमें गाइस यहाँ पर कुछ चीज अगर हम इन इक्वेशंस में कॉमन ले सकते हैं तो अब हम लेंगे कॉमन, क्योंकि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, 3m और 3m+1 की फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, इक्वेशन को हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो कॉमन क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। ब्रैकेट में क्या बचा, 3q²
ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें थ्री कॉमन आ सकता है, इसमें आ सकता है, लेकिन वन में थ्री कॉमन नहीं आ सकता। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 9q² + 6q + 1, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन में से मैं थ्री को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा मेरा 3q² + 2q, और बाहर एज इट इज मैंने प्लस वन ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन में अगर मैं कुछ कॉमन ले तो 4 कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए इस 4 को मैं अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं, 9q², ठीक है, मैं इस 12 को पहले लिख सकती हूँ 12q, अच्छा इस 4 को मैं 3+1 लिख सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल, मैंने इसे ब्रेक कर दी इस टर्म को। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें से भी कॉमन आ सकता है 3, इसमें से भी और इसमें से भी, ये जो है हमारा एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो 3q² बना, यहाँ पर अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ 4q बना, यहाँ पर अगर 3 कॉमन लिया तो 1 बना, और बाहर 1 एज इट इज। अब गाइस एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि अब जो क्वेश्चन में, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ, 3q² को सॉल्व करती हूँ, क्यू की कोई भी वैल्यू रखती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव में हमारा आंसर नहीं आएगा, प्लस ये टर्म फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो यानी जो भी, अगर सपोज कीजिए अगर मैंने क्यू की वैल्यू 1 ही रख दी या 2 भी रख दी, तो जो रिजल्ट आया, अगर 1 रखी है तो मैंने रिजल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा, ये कोई इंटीजर ही है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में बोला था कि कोई सम इंटीजर m, यानी जो किसी इंटीजर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर m रख सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट को सपोज क्या कि इसका जो आंसर है वो इंटीजर ही आएगा, और उस इंटीजर का नाम मैंने रख दिया m। ओके, सेम एज मैंने यहाँ किया। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अब उस पॉजिटिव इंटीजर को मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि वो m है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है, और ये बाहर प्लस वन एज इट इज। सेम एज अगर मैं इधर करूं, इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो उसे भी मैं सॉल्व करूंगी तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, जिसे मैं m बोल रही हूँ, और बाहर का वन एज इट इज। तो हमें क्या प्रूव करना था कि हमें जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m + 1 की फॉर्म में आना चाहिए, हमें इसी चीज को प्रूव करना था। और हमने क्या किया, इसी चीज को ही प्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पर 3m आया, अच्छा यहाँ पर हमारा आया 3m + 1, और इस रिजल्ट में भी हमारा आया 3m + 1। हमें यही चीज प्रूव करनी थी और हमने यही चीज ही प्रूव कर दी। आप स्टार्टिंग में थोड़ा लिख सकते हैं, लेट जो है ए बी जो है इंटीजर्स हैं, फिर हम स्टैंडर्ड अपनी ये जो हमने इक्वेशन बनाई ये लिख सकते हैं, एज इट इज को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, एग्जाम में बोर्ड्स में मैक्सिमम टाइम 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 10th तो मेरे भी मिड टर्म्स में काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो है आपको यही प्रूव करना था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में प्रूव करना था, 3m और 3m + 1। देखिए हमारे यहाँ पर 3m + 1 है, यहाँ पर 3m है, यहाँ पर 3m + 1 है, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। हमें यही चीज प्रूव करनी थी और हमारी यही चीज प्रूव हो गई है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस चीज को भी, उस क्वेश्चन को भी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट लेने के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम है। अभी हमने जो स्क्वायर करके किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी फॉर्म में प्रूव किया था, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो अब हम क्यूबिंग करेंगे, लेकिन गाइस अब यहाँ पर एक, चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें आएंगे, हम देखेंगे। अब अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, a = bq + r, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। b हमारा क्या था, डिवाइजर था, r हमारा रिमाइंडर था। डिवाइजर यानी कि अब देखिए हमें किस फॉर्म में करना है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, हमें करना है 9m + 1 और 9m +
8 इसी फॉर्म में हमें करना है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर अगर हम 9 डिवाइजर लेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यूज कितनी सारी आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, हमें 8 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इन सबकी क्यूबिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम एक स्मार्टली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम स्मार्टली करेंगे इसे सॉल्व, और अब करेंगे कैसे देखेगा, 9 में ऐसा क्या नंबर है जो कॉमन हम ले ले, जो 9 से डिविजिबल भी होता है। 9 का कॉमन हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, और आप अगर देखिए हमें क्यूबिंग करनी है इस क्वेश्चन में, तो अगर हम 3 का क्यूब भी कर रहे हैं तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, और इस 27 में हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 9 को इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम 9 को यूज ना करते हुए हम यहाँ पर किसको यूज करेंगे, हम यहाँ पर 3 को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा ये क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर क्यूबिंग करनी है तो अगर हमने 3 लिया भी तो 9 उसमें फिर क्यूब करने के बाद कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हमें क्वेश्चन को किस फॉर्म में प्रूव करना है, 3m + 1। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, सॉरी हमें क्वेश्चन को तो इसी में प्रूव करना है, लेकिन हम यहाँ पर जो है सॉरी डिवाइजर को हम 9 ना लेकर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम डिवाइजर 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 जो है कॉमन फैक्टर है और उसकी क्यूबिंग करने पर 9 हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 ना लेके 3 ले लूंगी, सो दैट मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 9 की जगह 3 लिखूं जो हमारा डिवाइजर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 क्यूब + r, जहां पर हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं r की वैल्यूज पुट करूं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3q + 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3q का क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैंने 3q का क्यूब किया तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 27q का क्यूब आएगा। ठीक है, इसमें अब मैं कॉमन ले सकती हूँ कोई नंबर, जी हाँ मैं कॉमन ले सकती हूँ 9 को, मतलब कोई नंबर नहीं, हमें 9 को ही कॉमन लेना है, यही देखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसमें 9 को कॉमन ले सकती हूँ, ब्रैकेट में क्या बचा, 3q³ बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और हम मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ना तो ये कोई नेगेटिव टर्म है ना ही ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव इंटीजर को मैं एज्यूम कर सकती हूँ m, ओके मैं बिल्कुल इससे एज्यूम कर सकती हूँ, तो मैंने इसको m एज्यूम कर लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9m आएगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बाद में सारी चीजें सॉल्व की थी, अब मैं हैंड टू हैंड सॉल्व करती हुई चलूंगी, 9m आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर अगर हम जाएं तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ठीक है, 3q + 1, और हमें क्या करना है, हमें 3q + 1 का क्या करना है, क्यूब करना है। गाइज अब यहां पर एक और आइडेंटिटी आई, अभी पीछे जो आइडेंटिटी आई थी वो हमारी आई थी a + b का होल स्क्वायर, अब यहां पर क्या आइडेंटिटी आएगी हमारी, a + b का होल क्यूब। इसके दो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एक a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इससे मैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, थोड़ा हो जाएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab (a+b). इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर आपको इस तरह के ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, इसे अच्छे से लर्न कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैंने लिखी आइडेंटिटी, अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अगर a³ + 1 का मैं क्यूब करूंगी तो क्या बनेगा, हमारे पास a यानी 3q, b यानी 1 है। ठीक है, मैं इसे यहीं पर सॉल्व कर रही हूं अब यहां पर इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो a क्यूब अगर क्यूब करेंगे तो 27q². ठीक है, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 एज इट इज आएगा। अब देखिए गाइस मैं इसे सॉल्व, चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर देती हूँ। अब 3 × a × b, 3 × a, a क्या है हमारा 3q और b क्या है 1, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 9q आ जाएगा। ठीक है, 9q और ब्रैकेट में a+b, a क्या था हमारा 3q + 1।
ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 27q² + 1 प्लस 27q² + 9q। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हम 9 को कॉमन ले सकते हैं या नहीं। इसमें 9 कॉमन आ जाएगा 27q² में, सॉरी क्यूब में, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा गाइस, क्यूब आएगा क्योंकि हम क्यूबिंग कर रहे हैं। आई गेस मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, माय बैड। ठीक है, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, 27q³ में हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें भी ले सकते हैं, 9q³ में भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे लिख देंगे। ठीक है, हम इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें इधर क्या बचेगा हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इससे क्या होता है फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉमन कहाँ। यहाँ पर मैंने 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3q³, यहाँ पर बचा हमारा 3q² और यहाँ पर बचा हमारा 3q, और ब्रैकेट के बाद मैंने इस 1 को बाहर एज इट इज ले लिया। अब अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन में कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, जिसे मैंने अज्यूम किया था m। ठीक है, मैंने लेट लिया था क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें m की फॉर्म में दिया गया है, तो मैं इस पूरे को क्या लेट कर लूंगी, m लेट कर लूंगी, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन देखो, हमें इसी फॉर्म में हमें आंसर बताना था कि 9m की फॉर्म में आएगा, 9m + 1 की फॉर्म में आएगा। अब हमें जो थर्ड वाला है उसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड केस में हमें क्या लेना था, a = 3q + 2 करना है हमें। ठीक है, तो अभी मैं क्यूबिंग करूंगी, a³ यानी 27q³ + b³ यानी 2 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 3 into ab, अगर 3 into मैं ab करती हूं तो 18q आ जाएगा। ठीक है, into a + b, a क्या है मेरा 3q और b क्या है मेरा 2। अब मैं अगर इनको पूरे को सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, मैं अभी आपको डिटेल दिखा रही हूँ गाइज, अगर आपकी प्रैक्टिस है इन इक्वेशंस की तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 18³ q² + 18² = 36q। अब इस केस में हमें अब फिर से क्या लेना, 9 को कॉमन लेना है। 9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो देखते हैं 9 कॉमन आ रहा है, यहां पर 9 कॉमन आ सकता है, यहां पर 9 कॉमन आ सकता है, यहां पर ये जो 8 है ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। ठीक है, 8 को तो मैंने ब्रैकेट से ही बाहर कर दिया पीछे। अब यहां पर मैंने किस को कॉमन ले लिया, 9 को, अगर इसमें से 9 को कॉमन लेंगे तो 3q³ बचेगा, इसमें से 9 को कॉमन लेंगे तो 9 6 = 54, 6q² और उसमें से 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 4q। ठीक है, ब्रैकेट और ये प्लस का 8 एज इट इज। अब हम फिर से वही चीज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो मैंने उस पॉजिटिव इंटीजर को क्या अज्यूम किया है, m, और बाहर का प्लस 8 एज इट इज। तो अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें गाइस, तो हमें क्या प्रूव करना था कि डिवीजन लेमा की मदद से हमें शो करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब लेते हैं तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, जो उसका सॉल्यूशन है वो 9m + 1 और 9m + 8, यही सॉल्यूशन आना था, और हमारा क्या आया है, यही सॉल्यूशन ही हमारा आया है। तो यस, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने क्या किया, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8। तो हमने क्या किया, ये प्रूव कर लिया, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन वाली लाइन आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं, इट इज प्रूव्ड, और मेरा तो फेवरेट था हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस बिल्कुल अच्छे से। अगर किसी भी तरह के डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बताइए। यहाँ पर बिल्कुल मैथ्स का एक नया कोर्स स्टार्ट है और मैं चैप्टर 1 से लेके पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगी। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइज।